Hello guys, my name is Govind Tapathi. Today I have come up with a very important video in my channel Hand Rules Classes. आज मैं नाइट्रिक एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा. ऑलरेडी मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो नाइट्रिक एसिड पर बेस्ड हैं, जिसमें मैंने एक वीडियो में नाइट्रिक एसिड के लैब प्रिपरेशन को एक्सप्लेन किया है और दूसरे वीडियो में मैंने नाइट्रिक एसिड के ओसोल्व प्रोसेस को भी एक्सप्लेन करा है. अगर आपको ये दोनों प्रोसेस जानने हो तो आप काइंडली मेरा वो वीडियो देखें. तो आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रिक एसिड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. So now let's start the class. As you can see, the formula of nitric acid is HNO3. Yani jo HNO3, jo nitric acid hai, is compound ke formation mein teen elements use hote hain: hydrogen, nitrogen and oxygen. Aur nitric acid ko hum aqua fortis bhi kehte hain. Jo nitric acid hai, pure nitric acid is colorless. Lekin jo humko nitric acid commercial sample mein milta hai, wo usually colorless nahi hota hai. बल्कि उसका कलर होता है पेल येलो. और उसका रीजन ये है कि जब हम फॉर्मेशन करते हैं नाइट्रिक एसिड का तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वेपर्स भी फॉर्म होते हैं. और जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो वेपर्स हैं, ये जब मिक्स हो जाते हैं नाइट्रिक एसिड में तो वो उसको पेल येलो कलर उसमें इम्पार्ट करते हैं. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसका ओडर सफोकेटिंग होता है, यानी अगर आप इसको स्मेल करेंगे तो आपको सफोकेशन सा महसूस होगा. इसके साथ साथ इसका जो टेस्ट है, क्योंकि ये एसिड है तो इसका टेस्ट खट्टा होता है, यानी इट इज सार इन टेस्ट. ये हाईली करसिव है. हाईली करसिव मींस कि अगर ये स्किन पे फॉल करेगा तो स्किन पे गिरते ही ये ब्लिस्टर्स फॉर्म करता है. जो HNO3 है वो हमारे स्किन के प्रोटीन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद जेंथो प्रोटिक एसिड फॉर्म करता है. और जो ये ज़ेंथोप्रोटिक एसिड है ये येलो कलर का होता है, इसीलिए हमारे बॉडी पे येलो स्पॉट्स पड़ जाते हैं. इसके अलावा आप देख सकते हैं ये नॉन पॉइजनस है, यानी ये इसमें कोई पॉइजन नहीं है. हाँ, लेकिन ये हाईली करसिव नेचर है. इट इज हैवियर देन वाटर, ये पानी से ज्यादा हैवी होता है. और साथ ही साथ ये एक मोनोबेसिक एसिड है. मोनोबेसिक एसिड का मतलब ये हुआ कि जब हम HNO3 को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो HNO3 का वन मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है. हम इस वजह से इसको मोनोबेसिक एसिड भी कहते हैं. इसके अलावा देखिए ये फॉर्म्स कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, यानी कि जो नाइट्रिक एसिड है 121 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर फॉर्म करता है. इसका मतलब ये हुआ कि 121 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप इसको फर्दर हीट अप करते हैं तो जो वाटर वेपर है और जो एसिड का वेपर है वो दोनों सेम प्रपोर्शन में निकलेंगे. इसका मतलब हुआ कि इस टेम्परेचर के ऊपर हम इसको फर्दर हीट अप करके कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते. इसके साथ साथ जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज अराउंड 86 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब ये प्योर फॉर्म में होता है तो 86 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल हो जाता है. और जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि जो प्योर एसिड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये जब फ्रीज करता है तो ये व्हाइट सॉलिड में चेंज हो जाता है. नो लेट्स सी सम ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. आप देख सकते हैं यहां पर कि अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना हो कि जो एसिड गिवन है ये HNO3 है और हमको मालूम है HNO3 एसिडिक इन नेचर होता है, तो हम कुछ इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि HNO3 इज एसिडिक इन नेचर. तो देखिए जो HNO3 है वो ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है, ये एसिड की प्रॉपर्टी होती है. इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज, जिसका कलर ऑरेंज होता है, ये इसको भी रेड कलर में चेंज कर देता है. और साथ ही साथ फिनोफ्थेलीन जो कलरलेस होता है उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता एंड फिनोफ्थेलीन रिमेन्स कलरलेस. आगे देखिए आपकी जो HNO3 है रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, यानी जो मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स है, देख सकते हैं यहां पर मैंने कैल्शियम और जिंक के ऑक्साइड लिए हैं, यानी कि जब किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन एक कंपाउंड फॉर्म करता है तो उसको हम मेटेलिक ऑक्साइड कहते हैं. जैसे यहां पे कैल्शियम एक मेटल है, वैसे देखिए यहां मैंने जिंक ऑक्साइड लिया है, यहां जिंक मेटल है और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो ये कंपाउंड भी कहलाएगा मेटेलिक ऑक्साइड. और यहां पर मैंने आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये सोडियम से मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है तो इसको हम मेटेलिक हाइड्रोक्साइड कहेंगे. तो जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो मेटेलिक ऑक्साइड्स
और हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि मेटालिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस, तो जब एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड जो कि बेस है रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड से HNO3 से, और यहां पर कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है और साथ ही साथ वाटर रिलीज हो रहा है। अब ऐसे आप देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ और जिंक नाइट्रेट फॉर्म कर रहा है, यहां पर वाटर रिलीज हो रहा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड से और फॉर्म कर रहा है सोडियम नाइट्रेट, और यहां पर भी वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन रिएक्शन को याद करना बहुत आसान है, आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद रखना है कि हमें मेटालिक ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड लेने हैं, बाकी ये जो दूसरा रिएक्टेंट है ये कॉमन है यानी कि नाइट्रिक एसिड। और आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में वाटर एक कॉमन प्रोडक्ट है और इसके साथ साथ हमको यहां पर मिल रहे हैं कॉपर जिंक और सोडियम के नाइट्रेट्स। और नाइट्रेट्स को बनाना भी आसान है, आप देख सकते हैं यहां पर हम कैल्शियम को ये नाइट्रेट के साथ हम ऐड करेंगे, बन जाएगा हमारा कॉपर नाइट्रेट। वैसे देखिए जिंक और नाइट्रेट से बन रहा है जिंक नाइट्रेट और सोडियम और नाइट्रेट, तो इसका फॉर्मेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है और अगर आप लिख करके आप इस प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से याद कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हमारा ये जो HNO3 है ये मेटालिक कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन शो करता है। आप देख सकते हैं मैंने यहां पर सोडियम का बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, HCO3 को बाइकार्बोनेट कहते हैं हम। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से तो देखिए यहां पर इसने सोडियम नाइट्रेट फॉर्म करा यानी सॉल्ट फॉर्म किया, वाटर फॉर्म किया और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया। मैंने पिछले भी वीडियोस में ये कई बार एक्सप्लेन करा है कि जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ तो हमेशा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। वैसे आप देख सकते हैं यहां पर सोडियम कार्बोनेट लिया है क्योंकि CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, वो रिएक्ट कर उसने ये सोडियम के साथ कंपाउंड फॉर्म कर रखा है। सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है एसिड से तो फॉर्म करता है सोडियम नाइट्रेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर भी रिलीज हो रहा है, तो इसको भी याद करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये जो हमारा HNO3 है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। आप देख सकते हैं यहां पर जब कॉन्ग HNO3 डिकम्पोज होता है तो ये वाटर फॉर्म करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और साथ ही साथ नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। और इस नेसेंट ऑक्सीजन मतलब आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का केवल एक एटम है, इसलिए इसको हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। और यही नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, यही नेसेंट ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाता है। अब हम यहां कुछ रिएक्शन देखेंगे जो नाइट्रिक एसिड है ये मेटल्स नॉन मेटल्स इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इन सबके साथ रिएक्ट करता है। तो पहले मैंने यहां पर 3 रिएक्शन लिए हैं जिसमें मैंने यहां नॉन मेटल ले रखे हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहां कार्बन लिया है जो एक नॉन मेटल है, जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कार्बन से रिएक्ट करता है तो देखिए यहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और वॉटर फॉर्म करता है। वैसे ही मैंने जो दूसरा लिया है नॉन मेटल वो लिया है फॉस्फोरस, यहां पर भी देखिए ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट कर रहा है, हमको यहां पर H3PO4 मिल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर हमको मिलता है। और जब हम सल्फर से रिएक्ट कराते हैं जो कि नॉन मेटल है नाइट्रिक एसिड का, तो आप देखिए यहां पर हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। तो अगर मैं इन 3 रिएक्शंस के बारे में बात करूं जो कि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहा है नॉन मेटल्स के साथ, तो उसको याद करना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि रिएक्टेंट में देख सकते हैं आप कि एक रिएक्टेंट तो कॉमन है यानी नाइट्रिक एसिड, बाकी आपको याद रखना है कि दूसरा आपका नॉन मेटल कौन सा है। उसके साथ साथ आप देखिए इन सभी में वाटर रिलीज हो रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, तो 2 प्रोडक्ट तो ऑलरेडी कॉमन है, केवल आपको तीसरा प्रोडक्ट आपको केवल याद रखना है जो काफी आसानी से आप याद कर सकते हैं। फिर आप देखिए यहां पर नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ भी। वैसे यूजली होता क्या है कि जो एसिड्स होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड ऐसा नहीं करता है, वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है, केवल कुछ मेटल्स जैसे मैग्नीशियम या मैंगनीज इनके साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का, तो यहां पर हमें
हमको मिल जाती है एज अ प्रोडक्ट, इसके साथ साथ हमको मेटालिक नाइट्रेट्स हमको मिलते हैं। तो यानी इसको आपको ये याद रखना है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो यूजली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन फॉर्म नहीं करता है, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज मेटल्स के साथ जब ये वेरी डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। जैसे आप रिएक्शन देख सकते हैं, यहां मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से और फॉर्म कर रहा है मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। वैसे आप यहां देखें, मैग्नीज जब रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड से जो वेरी डाइल्यूट है, तो ये भी मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये भी आप इसको देख सकते हैं, तो उसको भी याद करना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लिख करके प्रैक्टिस करेंगे आप। अब देखिए यहां पर जब हम कॉपर से रिएक्ट कराते हैं, देखिए कॉपर से जब रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड, लेकिन कॉपर से हम रिएक्ट करा रहे हैं इसको डाइल्यूट फॉर्म में, हमने यहां कॉपर का रिएक्शन वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से नहीं कराया है, इसको यहां पे हमें डाइल्यूट फॉर्म में लिया है। क्योंकि जब हम नाइट्रेट के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे यहां पर हमने लिया वेरी डाइल्यूट, लेकिन यहां पे हम ले रहे हैं डाइल्यूट। तो जब कॉपर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है कॉपर नाइट्रेट, वाटर रिलीज होता है, साथ ही साथ एनओ यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी हमको यहां मिलता है। अब देख सकते हैं कि अगर हमने यहां पे कॉपर का रिएक्ट कराया है HNO3 से जो डाइल्यूट लिया है, लेकिन अगर आप HNO3 डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड ले लें और अगर उसका आप रिएक्शन कराएं कॉपर से, तो देखिए यहां पे प्रोडक्ट क्या मिलते हैं हमको। यहां पर हमको कॉपर नाइट्रेट मिल रहा है जो कॉमन है पिछले रिएक्शन से, हमको वाटर मिल रहा है जो कॉमन है पिछले रिएक्शन से, लेकिन आप देखिए कि हमको यहां पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की जगह हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है, यानी यहां पर एक प्रोडक्ट यहां चेंज हो गया है। तो हम देख सकते हैं कि जब हम नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो इसको याद करना काफी आसान है इन दो रिएक्शंस को, क्योंकि इन दो रिएक्शंस में केवल एक ही प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। हमको यहां पे मिल रहा था जब डाइल्यूट HNO3 था तो हमको मिल रहा था नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और जब ये कॉन्सेंट्रेटेड है HNO3 तो हमको मिल रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि जो नाइट्रिक एसिड है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ भी रिएक्ट करता है। तो जैसे हम मैंने यहां पर ले रखा है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हमको सल्फर यहां पर मिलता है एज अ प्रोडक्ट। ये काफी आसान रिएक्शन है। इसके बाद आप देखिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ भी इसका रिएक्शन देखते हैं। जैसे यहां पर मैंने देखिए सॉडस्ट लिया हुआ है C6H10O5 और बाहर N लगा हुआ है, यानी इसके हम कई मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हम जब सॉडस्ट के साथ नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो यहां पर एज अ प्रोडक्ट हमको मिलता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये मिलता है हमको। और जब हम टोलुइन C7H8 का रिएक्शन कराते हैं, देखिए यहां पर जो सॉडस्ट है और जो ये टोलुइन है, ये दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और यहां पे जो हमने हाइड्रोजन सल्फाइड लिया था ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ इसका क्या रिएक्शन होता है। तो देखिए जब ये टोलुइन के साथ रिएक्ट करता है HNO3 तो ये फॉर्म करता है C7H5NO2 3, जिसको हम TNT भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और अक्सर पूछा जाता है, इसका फॉर्मेशन होता है और यहां पर वाटर रिलीज होता है। तो आप देख सकते हैं कि HNO3 का रिएक्शन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, ऑर्गेनिक रिएक्टेंट के साथ कैसे होता है और कौन से हमको कंपाउंड्स हमको मिलते हैं। अब इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहां पर कि जो HNO3 है इसका यूज एक्वा रेजिया के फॉर्मेशन में भी करते हैं, और एक्वा रेजिया एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। तो एक्वा रेजिया के फॉर्मेशन में क्या होता है कि HNO3 हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हैं केवल वन पार्ट, और हम HCl कॉन्ग HCl के तीन पार्ट लेते हैं, और जब इस वॉल्यूम इनके वॉल्यूम को हम यानी वन वॉल्यूम ऑफ HNO3 एंड वन वॉल्यूम ऑफ HCl दोनों के कॉन्सेंट्रेटेड हम रिएक्ट कराते हैं तो देखिए हमको वाटर मिलता है एज अ प्रोडक्ट, हमको यहां पर NOCl यानी नाइट्रोसिल क्लोराइड हमको मिलता है, और साथ ही साथ यहां पर हमको नेसेन क्लोरीन मिलती है। आप देख सकते हैं यहां पे क्लोरीन का केवल एक ही एटम है। अब ये एक्वा रेजिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको मालूम है जो नोबल मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है, वो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होते हैं,
और यूजली किसी एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक्वारेजिया में ये डिजोल्व हो जाते हैं और ये सॉल्युबल हायर क्लोराइड्स फॉर्म करते हैं, यानी कि गोल्ड AU जब रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो फॉर्म करता है AuCl3, और वैसे ही जब प्लैटिनम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो फॉर्म करता है प्लैटिनम क्लोराइड। तो इस तरीके से हमको ये मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे HNO3 के रिएक्शन की, कि जब ये आयरन और एल्युमिनियम से रिएक्ट करता है तो आयरन और एल्युमिनियम को ये पैसिव कर देता है, क्योंकि जब आयरन और एल्युमिनियम से रिएक्ट करता है HNO3 तो ये आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड बनाता है, और ये आयरन और एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड हैं वो मेटल के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जिससे रिएक्शन रेट कम हो जाता है। लेकिन अगर हम उससे इस लेयर को हटा दें जो ये ऑक्साइड की बन रही है, तो आयरन और एल्युमिनियम फिर से नॉर्मली रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी HNO3 की। आई होप कि आपको ये सब समझ में आई होंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें ताकि और लोग भी इसको देख सकें, उनका भी फायदा हो, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें।